हेलो दोस्तों, हाल ही में हमारी गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन करके बहुत ही यूनिक डिसीजन लिया था। और टिकटॉक के बैन होने के कारण काफ़ी सारे टैलेंटेड लोगों को प्रॉब्लम भी हुई थी, लेकिन अल्टीमेटली सब ने इस डिसीजन को काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएट किया। और दोस्तों, इसलिए इंडिया का सबसे फर्स्ट सोशल मीडिया ऐप एलाइनमेंट हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने संडे यानी 5 जुलाई को इसे लॉन्च किया। और ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि ये फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, स्नैपचैट जैसे अदर सोशल नेटवर्किंग साइट्स को कम्पीट करेगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा तभी होगा जब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग इस ऐप को यूज़ कर पाएँ और उन्हें ये चीज़ पता चले। ये एक नया कदम है हमारे भारत को आत्मनिर्भर बनाने में। अब बात करते हैं इस ऐप के बारे में। दोस्तों, ये ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों के प्ले स्टोर्स में अवेलेबल है और इस ऐप के डेवलपर सुमेरु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस ने कम्प्लीटली इसे मेड इन इंडिया बनाया है। ये ऐप हमारे 1000 IT प्रोफेशनल्स की हेल्प से बनाया गया है। और यही नहीं, ये पूरे 10 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप फेसबुक की तरह आप ऑल ओवर वर्ल्ड से इस ऐप के द्वारा जुड़ सकते हैं। जैसा कि आप इस लिस्ट में देख रहे हैं कि सारी कंट्रीज अवेलेबल हैं। इसकी वजह से आप किसी भी देश की पटा सकते हैं यार, लेकिन बस चाइना को हटा देना चाहिए था। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारी डाटा प्राइवेसी, जिसकी वजह से टिकटॉक और 59 ऐप्स को इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किया था। ये ऐप कम्प्लीटली मेड इन इंडिया है और इसका डेटा भी पूरी तरह इंडिया में स्टोर किया जाएगा और बिना आपकी परमिशन के कोई भी थर्ड पार्टी इसका एक्सेस नहीं कर सकती। दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट लोगों की सिक्योरिटी ही है। अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। दोस्तों, मुझे इसका इंटरफेस पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और यही नहीं, 24 आवर्स में इस ऐप के 1.3 मिलियन डाउनलोड्स हुए। इसके लगभग फीचर फेसबुक से मिलते जुलते ही हैं और इसका इंटरफेस भी। लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये 100% स्वदेशी ऐप है। आप इसके हब सेक्शन में अलग अलग कैटेगरी ब्राउज कर सकते हैं, जैसे फैशन, बॉलीवुड, हेल्थ, लाइफस्टाइल, गेम्स एटसेट्रा। और इसके डिस्कवर ऑप्शन में जाके आप अपने फ्रेंड्स को सर्च कर सकते हैं और फेसबुक की तरह उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल के साथ साथ आप कॉन्फ्रेंस कॉल भी कर सकते हैं और इसकी फीड में आप फोटोज़ या वीडियोस पोस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लाइक, कमेंट, शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने इस ऐप को यूज़ किया और काफ़ी सारे फीचर्स इसके मुझे अच्छे लगे। इसे ऑलमोस्ट फेसबुक की तरह ही डिज़ाइन किया गया है कि इसके इंटरफेस को समझने के लिए लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, ये ऐप 2 दिन पहले ही लॉन्च हुआ है और लोगों ने इस पर रिव्यू भी दिया है। लॉगिन और OTP जनरेशन में थोड़ी इश्यूज आ रहे हैं। दोस्तों, ये इश्यूज मुझे भी आए थे लॉगिन करते समय और कंपनी ने दावा किया है कि ये इसके सारे बग्स बहुत जल्दी रिमूव कर देंगे। और आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, आप इसके रिव्यू सेक्शन में जाके जरूर कमेंट करें ताकि ये इस ऐप का डेवलपमेंट और जल्दी से हो सके। दोस्तों, ये तो काम किया है गवर्नमेंट ने, लेकिन हमारे आत्मसमर्पण के बिना भारत का आत्मनिर्भर बनना भी थोड़ा मुश्किल ही है। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और लोग भी इंडिया की फर्स्ट सोशल नेटवर्किंग साइट यूज़ करें और आत्मनिर्भर भारत में अपना कंट्रीब्यूशन दें। और इस वीडियो का सजेशन देने के लिए थैंक्स टू माय फ्रेंड शिवा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।